हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मेंस क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवन्थ और चैप्टर नंबर भी सेवन ही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वर्कशीट वन में क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके थे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। पहले हम इसको सोल्व करना है और उसके बाद चेक भी करना है। तो अब आप यहाँ से देखो, इस क्वेश्चन को करने के देखो बहुत सारे मेथड हैं। चाहो तो आप ये जो प्लस एक्स बाय फोर उसको एक लेफ्ट में लेके आओ, ठीक है, या अदरवाइज़ आप देखो इसको ऐसे कर सकते हो। इसका एलसीएम लेके फिलहाल इसको यहीं सोल्व करो, इसका एलसीएम लेके इसको फिलहाल यहीं सोल्व करो। जो भी मेथड करोगे आंसर सबसे सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेती हूँ, 2 3 6, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, 2 की टेबल में 6 कहाँ था, 2 3 6, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 की टेबल में 6 आता 3 2 6, ठीक है। तो यहाँ से x मल्टीप्लाई बाय 3 तो वो 3x बनेगा, माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 2x बनेगा, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, प्लस 2 की टेबल में 4 कहाँ पर आता है, 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। अभी इसको सोल्व करते हैं, 3x में से 2x माइनस होंगे तो 1x, मतलब x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, यहाँ से आया x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से ऐसे तो शिफ्टिंग इधर उधर नहीं हो सकती, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो x और 4 की मल्टीप्लाई होगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ x और 4, मतलब 4x आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ, दोनों टर्म के साथ। तो यहाँ से आएगा 4x इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई x से 6x प्लस 6 2 ज़ा 12, ठीक है। अब यहाँ से आएगा 4x प्लस के 6 है इधर आके, माइनस के 6x होंगे, इक्वल 12 यहीं पर ही है। अब यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में से 4 माइनस होगा 2x, 6 बड़ा उसका सिंबल माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू 12। ये माइनस 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो एक्स इज इक्वल टू 6 और आगे माइनस भी लगेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब हम इसको चेक करना है तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ राइट हैंड साइड लेंगे, एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 बाई 2। क्वेश्चन में से ही लिया है, ये 3 2 मत लिख लेना, ये पेंसिल से लिखे हुए हैं, इसका मीनिंग है कि ये तो बाद में सोल्व किया था, ठीक है। एक्स की जगह माइनस 6 लिख दो, जहाँ पर भी एक्स है, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से माइनस है और एक्स की जगह जाएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से आ रहा माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से 2 होगा सब्ट्रैक्ट 1, 3 बड़ा उसका सिंबल माइनस है तो माइनस। ऐसे ही राइट हैंड साइड भी सोल्व करेंगे, एक्स की जगह माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 बाई 2, इसको कैंसिल करो, यहीं पर कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, ठीक है। दोनों में नीचे 2 है तो 2 एलसीएम, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। ऊपर अब डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2, 3 बड़ा उसका सिंबल है माइनस, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से आंसर आ रहा है -1, दोनों का ही आंसर हमारा क्या आया है -1। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू -6 इज अ सॉल्यूशन। ये आपका 17 हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब आप यहाँ से देखो, इसको मैं जेड बाई 1 लिख, यहाँ पर इन्होंने पहले से ही करके दे रखा था, क्वेश्चन नंबर जो 17 था उसको आप इसी हिसाब से भी कर सकते हो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 18 करवाऊँगी, ठीक है। मैंने आप सेम एक ही जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये भी जेड की टर्म है, ये भी जेड की और ये भी जेड की, मतलब 3 टर्म आ गई हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम तीनों टर्म का इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 को तो देखने की जरूरत नहीं, तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब आप यहाँ से देखो, 1 की टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 6 पर ही आएगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 3 2 ज़ा 6, तो इस वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, z और 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6z माइनस 2z को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4z प्लस 3 को z से मल्टीप्लाई करेंगे, 3z इज इक्वल टू 5। अब इसको हमें यहाँ सोल्व करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, बाय में 6 है, 6z में से 4z माइनस होएंगे तो 2z आएंगे, प्लस में 3z,
3z प्लस 2z प्लस 3z होगा 5z बाय में 6 इज इक्वल टू 5। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है, z को मैंने यहीं लिखा, ये 5 बाय 6 है, इधर आके हो जाएगा 6 बाय 5, 5 वन ज़ा 5, तो z इज इक्वल टू 6 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। अब हम इसका चेक वाला पार्ट कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो 5 ही है, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास z माइनस 2 बाय 3z प्लस z बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन में से ही आइए, जहाँ पर z है उसकी जगह 6 लिखो, 6 माइनस 2 बाय 3, यहाँ पर भी z की जगह 6 लिखो, यहाँ पर भी z की जगह 6 बाय में 2, रिप्लेस कर दिया है, जहाँ पर भी z था उसकी जगह 6 लिख दिया है। 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से आएगा 6 माइनस 2 टू ज़ा 4 प्लस यहाँ से आएगा 3, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 प्लस में 3, 2 प्लस 3 होते हैं 5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयर फोर जेड इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 6y प्लस 1, ये सारे को डिवाइड किया 2 से प्लस 1, और यहाँ है 7y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो पहले मैं यहाँ से सिर्फ जो लेफ्ट में लिखा हुआ है इसको लिखो 1 बाय 1, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 2 एलसीएम आएगा, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला 6y प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1 की टेबल में 2 कहाँ पर आता है, 2 पर, तो इस 1 2 ज़ा 2, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ लिख देती हूँ, 1 के टेबल में 2 आता है 2 पर, मतलब ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 ज़ा 2 इज इक्वल टू 7y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से आता है 6y प्लस 1 प्लस 2 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी 6y प्लस 3 से इज इक्वल टू, 2 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर 7y माइनस 3 से। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 6 ज़ा 18 वाई प्लस 3 की मल्टीप्लाई अब इस 3 से होगी, 3 3 ज़ा 9, 2 7 ज़ा 14 वाई माइनस 2 3 ज़ा 6। देखो ये तो आपने बहुत बार कर लिया क्योंकि आप 6 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 18 वाई, अब लाइक टर्म्स एक तरफ कर रहे हैं, प्लस के 14 वाई इधर आके माइनस के 14 वाई होंगे इक्वल -6, प्लस 9 इधर आके होगा -9, 18y में से 14y माइनस होगा तो आएगा 4y इज इक्वल टू 6, सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा -15 बन जाएंगे। ठीक है, 9 बड़ा उसका सिंबल माइनस, तो y का आंसर आएगा -15 4 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में। ठीक है, तो आपका आंसर आया है y इज इक्वल टू -15 बाय 4। अब हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर राइट हैंड साइड, 6y प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 7y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था ना उसी में से मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ लिख दिया। अब जहाँ पर भी y है उसकी जगह हम लिखेंगे -15 बाय 4, 6y की जगह हम लिखेंगे -15 बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। इसको ध्यान से करना है, क्वेश्चन पहले वालों से थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि बाय वाला नंबर आ गया आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से ये ऊपर वाली जो टर्म है बस ये सोल्व होगी पहले। ठीक है, यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन में आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर से आता है -45 डिवाइडेड बाई 2, प्लस में 1 है, बाय में 2 है और प्लस में 1 है। ठीक है, अब ये यहाँ जो लिखा हुआ, चाहो तो आप इसको देखो अलग से लिख के कर लो क्योंकि बार बार यहाँ लिखोगे गलती होने के चांसेस होंगे, तो आप रफ में कर लो, -45 बाय 2 प्लस 1, इसका आंसर अलग से निकाल लो, 2 एलसीएम -45 एज इट इज़। ठीक है, 1 के टेबल में 2 आता है 2 पर, 2 वन ज़ा 2, यहाँ से आ रहा -43 बाय 2, यहाँ से आया -43 बाय 2। क्लियर है, बाय में है मेरे पास यहाँ 2 और प्लस में यहाँ पर है मेरे पास 1। ठीक है, अब आप ये देखो -43 बाय 2, इसको मैं 2 बाय 1 लिख लूँ, -43 बाय 2, अगर ऊपर भी एक अपोन वाली टर्म और नीचे भी, तो ये 2 बाय 1 का मल्टीप्लिकेशन में आके 1 बाय 2 हो जाएगा और प्लस में 1,
तो ये आ रहा है -43 डिवाइडेड बाय 2 2 4 प्लस 1। ठीक है, अब इसको फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 4 एलसीएम, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला 43 एज इट इज़। ठीक है, बाय में 1 है, अगर 1 हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 43 में से 4 माइनस होगा 39, 43 बड़ा उसका सिंबल है माइनस। ठीक है, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से करें। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है -39/4। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, 7 वाई की जगह हमें लिखना -15/4 -3 और होल डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से आ रहा है -15/7 105 बाय में 4 -3 और ओवरऑल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है ऊपर वाले पार्ट को, चाहो तो अलग से लिख के कर लो। अलग से लिख के करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 4 एलसीएम, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला माइनस है, 105 एज इट इज़ माइनस। 1 की टेबल में 4 आता है 4 पर, 4 3 12 बाय में 4, सेम साइन है तो ऐड कर दो, ये हो जाएगा -117। ठीक है, तो ऊपर से आंसर आ रहा है -117 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और बाय में है, बाय में यहाँ पर 3। ठीक है, 3/1 लिख रही हूँ, -117/4 ये वाला एज इट इज़। अगर यहाँ 3/1 डिवीज़न में तो 3/1 का उल्टा होके 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ये बाय में 3 था, मैंने बाय में लगा के 1, ऊपर भी अपॉन वाले टर्म है, नीचे वाले भी, ऊपर वाले टर्म तो एज इट इज़ आएगी, नीचे वाले टर्म का रेसिप्रोकल इनटू में आएगा, 3/1 का 1/3। अब देखिए कैंसिल होगा, 3 1 3 3 3 9। ठीक है, 3 9 27, तो यहाँ से आ रहा -39/4। तो दोनों ही तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का ही आंसर क्या आ रहा है, -39/4। तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयर फोर वाई इज इक्वल टू -15/4 इज अ सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लेफ्ट में हमारे पास है 6x-2/5। अभी जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसका एलसीएम लेके हम पहले इसको सोल्व करेंगे, 3 और 3 है तो 3 एलसीएम आ जाएगा, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, 2x-1, यहाँ पर भी नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम -1। 6x-2/5 और यहाँ से आएगा 2x, सेम साइन है -1 -1 तो हो जाएगा -2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x-2 की मल्टीप्लाई होगी 3 से और 5 की मल्टीप्लाई होगी 2x-2 से, 3 × 6x-2, 5 की मल्टीप्लाई होगी 2x-2 से। मल्टीप्लाई करके देखो आंसर कितना आएगा, यहाँ से 3 6 18x-, यहाँ अब इस 3 की से भी मल्टीप्लाई होगी, 3 2 6, 5 2 10x-5 2 10। अब आप वेरिएबल पार्ट एक तरफ करो, 18x प्लस के 10x है, इधर आके माइनस के 10x होंगे, यहाँ से -10, -6 है इधर आके +6 होगा, 18x में से 10x माइनस होगा 8x, यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा 4, 10 बड़ा उसका सिंबल माइनस है तो माइनस, 8 मल्टीप्लीकेशन में तो इधर जाके डिवीज़न में, 4 1 4 4 2 8, तो x की जगह आंसर आ रहा है -1/2। ये आपका 20th क्वेश्चन हो गया, चेक वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में से ही लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का पार्ट, अब जहाँ पर भी x है हम उसकी जगह लिख देंगे -1/2, ब्रैकेट में लिखना -1/2। ठीक है, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 1 2 2 3 6, यहाँ से ऊपर से आया -3 -2/5, सेम साइन है तो ऐड करेंगे, 2 और 3 5, 3 बड़ा उसका सिंबल माइनस, 5 1 5, -1 आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड से। ऐसे ही राइट हैंड साइड में चेक करेंगे, 2 × एक्स की जगह -1/2 लिखेंगे, -1/3 -1/3, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ऊपर से आया -1 -1/3
माइनस वन बाई थ्री, तो यहाँ से हो रहा है सेम साइन ऐड कर दो, माइनस टू बन जाएंगे, दोनों का एलसीएम थ्री आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, ऊपर सेम साइन है तो ऐड कर दो टू और वन थ्री, टू बड़ा उसका सिंबल माइनस, तो कैंसिल करके माइनस वन मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का ही आंसर सेम आया है, तो आप लिख दोगे देयरफोर जो x की जगह माइनस वन बाय टू आया था वो हमारा एक सॉल्यूशन है, इज़ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अब आपके 20 तक क्वेश्चन हो गए हैं, नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।